गुजरात में इन दिनों चुनाव का शोर है क्योंकि आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इस विधानसभा चुनाव को लेकर सबसे ताजा सर्वे सामने आया है। ईटीजी रिसर्च के साथ टाइम्स नाउ नवभारत ने गुजरात चुनाव को लेकर सर्वे किया है। इस सर्वे में ये सामने आया है कि अगर अभी चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं। गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं और बहुमत के लिए 92 सीटों की जरूरत होती है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक आज चुनाव हुए तो बीजेपी को 115 से 125 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को 39 से 44 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को 13 से 18 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें जाएंगी। इस सर्वे के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी एक बार फिर गुजरात की सत्ता पर काबिज हो सकती है। सर्वे एजेंसी ईटीजी रिसर्च ने इस सर्वे के लिए जो सैंपल साइज लिया है वो 4,540 का है। इस सर्वे में रैंडम कॉलिंग और लोगों के बीच जाकर उनकी राय लेने की मेथोडोलॉजी अपनाई गई। गुजरात में करीब 3 दशकों से बीजेपी सत्ता में है। 2001 से पहले भी और 2001 के बाद भी बीजेपी का दबदबा कायम है। इस बार आम आदमी पार्टी के संयोजक गुजरात में जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। दिल्ली की तरह लोगों के सामने मुफ्त का वादा भी किया है, लेकिन इस सर्वे के हिसाब से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नजर नहीं आ रहा। इस सर्वे के हिसाब से कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान दिख रहा है। परंपरागत तौर पर जो तबका कांग्रेस के लिए वोट करता रहा है वो तबका आम आदमी पार्टी के साथ जा सकता है। ऐसी सूरत में 2017 में कांग्रेस की सीटों में जो कमी आई थी उसमें और कमी आ सकती है। इसके बाद अब आने वाले सर्वे क्या कहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।